उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप पर लॉन्चिंग से पहले ही साइबर अटैक हुआ है। वैदिक घड़ी के जानकार का कहना है कि इस हमले को तकनीकी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। इससे ऐप के सर्वर की प्रोसेस धीमी हो रही है। शुक्रवार यानी आज विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान ऐप को लॉन्च करने वाला था, अब आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। यहां बता दें कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण किया था। जानकारों का मानना है कि साइबर अटैक 2 कारणों से होता है, पहला इमेज खराब करने के लिए या फिर कॉम्पिटिशन के लिए। ये अटैक गुरुवार को हुआ था, हालांकि रात 12 बजे तक कुछ हद तक रिकवर कर लिया गया है। घड़ी का डिस्प्ले ठीक है, लेकिन नया यूजर ऐप को नहीं देख पाएगा। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए और प्रोग्रामिंग की जाएगी। पूरी तरह ठीक होने में महीना लग सकता है। और क्योंकि हमने उसको लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रखा था, उसका बैकअप प्लान भी था, तो उस पर वो सुरक्षित है। हम इसका जो वैदिक डिजिटल क्लॉक के नाम से जो ऐप डेवलप कर रहे थे, जो उसको हमको यूनिवर्सल बनाने की बात थी, जिसमें भारतीय विदेशी भाषाओं में भी, तो उसकी तैयारी चल रही थी और हमारा प्रयास था कि हम आज उसको रिलीज कर पाएँ। तो लेकिन वो कल रात से ही इस तरह का सिलसिला चालू हो गया था। पहले हमारी वेबसाइट है एक तरह से डाउन हुई, उसके बाद जो कंटेंट वो गायब हुआ, और फिर वो पाया कि भाई कुछ लोग हैं जो कर रहे होंगे, तो शाम तक हमने रिकवर किया। लेकिन अभी अटैक अभी भी जारी है और ठीक है, हम उसको कवर कर लेंगे। पता चला है कि किन लोगों के द्वारा? नहीं, ये तो पता चलता नहीं है ना। आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई? हाँ, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल होता है, वहाँ हम कर चुके, और राज्य सरकार के संज्ञान में वहाँ भी उनसे भी बात हुई है, तो जो भी हो सकता है वो हम कर ही रहे हैं सर। लेकिन कलेक्टर साहब मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तो कलेक्टर साहब को पता ही नहीं होगा ना भाई, तो वो तो अभी की बात है ना। तो जब अभी जैसे उनसे बात हुई, उन्हें उनसे जानकारी मांगी, उनको भी अंदाज नहीं था। और भाई सबके सारे जो अधिकारी हैं, सबके अपने अपने काम है ना, तो वो उनका अपना जो भी था, जैसे जिला प्रशासन की जो चिंता, महाशिवरात्रि इतना बड़ा उज्जैन का सेलिब्रेशन है, उत्सव है, तो उसमें जाहिर ही सारा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, तो सबको सब जानकारी हर समय हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन अब उनकी जानकारी में है कि ऐसा कुछ हुआ है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाँ रिकवर हो गया है, पर रिकवर अभी नहीं हुआ है, तो अब वो तो ठीक है, अब जो भी हो टीम उसको कर रही है। जी, जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक नाम से हमारी एप्लीकेशन है, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक और वैदिक डिजिटल क्लॉक, और हमारी वेबसाइट vedicstandardtime.com, तो इसके ऊपर हमारे ऊपर कल रात से एक साइबर अटैक हुआ है, जिस अटैक का नाम है, इसको कहते हैं DDoS अटैक। इसका मतलब होता है कि जो असली यूज़र नहीं है, वो फर्जी बॉट्स हैं, नकली बॉट्स, जो कि हमारी वेबसाइट पे एक फालतू का ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, जिससे असली उपभोक्ताओं को उसका इस्तेमाल ना कर पाएँ। कि जैसे हमने कल अपने सिस्टम पे और आज अपने सिस्टम पे चला के देखा, जो बैकएंड में कोड हम लोग करते हैं, तो हमारे सिस्टम पे ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं हमारी वेबसाइट, जिससे हमें मालूम पड़ा कि 2800 असली यूज़र हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा बॉट्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि बॉम्बे की लोकेशन कभी आ रही है कि बॉम्बे से ही हमारे ऊपर 3,50,000 अटैक हो रहे हैं, कभी वो लोकेशन बदल जा रही है। तो इस टाइप के अटैक कराए जाते हैं ज़्यादातर उन कंपनियों पे जो बहुत रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा विषय है नहीं। ये तो एक फ्री का एप्लीकेशन और वेबसाइट है जिसको कोई भी आम जनता डाउनलोड करके देख पाए। तो ये अटैक मे बी हमारे प्रेस्टीज डाउन करने के लिए, कि जो इसके उपभोक्ता हैं वो इसको यूज़ करें और जब वो चलाएं तो वो देखें कि ये तो लोड ही नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों के लिए ये अटैक में हमारे ऊपर कराया गया है। जी, ये पब्लिक यूज़ के लिए आज इसका लॉन्च होना था, लेकिन इसी अटैक के कारण ये लॉन्च अब डिले किया जा सकता है।